हिमाचल नर हज सेवा समिति द्वारा सोलन के मुरारी मार्केट सभागार में श्रीमद भागवत सप्ताह शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर आज कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा मासुलिनी मंदिर से आरंभ की गई और चौक बाजार होती हुई मुरारी मार्केट में संपन्न हुई, जिसमें शहर की महिलाओं ने कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 7 दिनों तक चलने वाली इस कथा के प्रथम दिन से व्यास वाले आचार्य कमलकांत जी महाराज द्वारा श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी। कथावाचक आचार्य कमलकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष संस्थान द्वारा भागवत का आयोजन किया जाता है, ताकि शहरवासियों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले और साथ में उन्हें जागरूक किया जाता है कि संसार में सबसे बड़ी सेवा नरसेवा है। अगर हम सभी नरसेवा नहीं करते हैं तो नारायण की सेवा करना व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को उनके सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करवाकर उन्हें सत्य के मार्ग पर चलाना इस कथा का मुख्य उद्देश्य है। नरहरि का मतलब यदि जीव नर की सेवा करे तो नारायण की सेवा है। इस संस्था का मूल जो लक्ष्य है कि इस संस्था के द्वारा जितने भी धर्म कार्य किए जाते हैं उसका प्रयोजन यही है कि इसके द्वारा जन जन तक हमारे सनातन धर्म का उपदेश हो और जीव अपने कर्तव्य को समझ सके कि हमारे समाज के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने संबंधों के प्रति क्या दायित्व होते हैं, कैसे जीवन को जीना चाहिए और जीवन का निर्वहन कैसे करना चाहिए। क्योंकि जब तक जीव दूसरे पर दया और उपकार करना ना सीखे तब तक इस देह में आने का प्रयोजन व्यर्थ है। एक तो प्रतिवर्ष इस कथा के माध्यम से जितने भी लोग इस समिति के साथ जुड़ते हैं, धर्म के साथ जुड़ते हुए जब तक जीव नर की सेवा ना करे तब तक नारायण की सेवा का कोई अभिप्राय नहीं रह जाता है। जीव सामाजिक कार्य करते हुए अपने उत्तम कर्मों के द्वारा इस जीवन को जीते हुए उस भगवत कृपा को प्राप्त करे, इस नर हरि सेवा समिति का यही प्रयोजन और यही लक्ष्य है।